हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एलपीजी टर्मिनल के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डायक वॉल। अब ये जो डायक वॉल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी टैंक के लिए। अब कौन सा टैंक, तो जैसे कि ऑयल टैंक है या फिर डीजल टैंक है, तो उसके पेरीफेरी में या फिर उसके अराउंड एक वॉल बनी हुई होती है, बाउंड्री, आप समझ लीजिए बाउंड्री बनी हुई होती है वॉल की, उसके बीच में टैंक रखा हुआ होता है। तो वो जो बाउंड्री होती है उसको डायक वॉल बोलते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये वॉल नहीं होती, डायक वॉल नहीं होती, तो कभी भी अगर टैंक में कुछ लीकेज हुआ या फिर पिन होल या फिर ऐसा कुछ हुआ, तो जो ऑयल या फिर डीजल होगा वो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, वेस्ट होगा और एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक वॉल क्रिएट करते हैं, डायक वॉल। अब ये जो वॉल के अंदर का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम टैंक के वॉल्यूम के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब भी कभी टैंक में लीकेज हुआ या फिर ऐसा कुछ हुआ, तो जो ऑयल होगा वो बाहर निकल जाएगा, पर वो वॉल के बाहर नहीं जा सकता, वो वॉल के अंदर ही रहेगा, जिसके कारण वो एनवायरमेंट में न जा सके और एनवायरमेंट को पोल्यूट न कर सके। ठीक है, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम यहाँ पे डायक वॉल बोलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।